नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। होली से पहले कहीं ना कहीं बाजार में एक शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है। मैं फ्राइडे के सेशन में आपने वीकली क्लोजिंग काफी शानदार देखी। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ। वहीं अगर आप बात करें बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की तो यहां तो मोर देन 800 पॉइंट्स की रैली थी। ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में आप ना पूछे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही सवाल मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग, बाउंस बैक एंड प्लस फ्रेश बाइंग भी आपको सेकंड हाफ में आते हुए दिखी। अगर मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करूं तो वो आपको ऐसा बताएगा कि भाई बाजार में बड़ी तेजी आने वाली है। क्या लिटरली आएगी, इसी के बारे में बात करते हैं। कौन से स्टॉक्स आपको कल रडार पे रखने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। पहले मैं आपके साथ बताना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट। तो यूएस मार्केट में काफी शानदार तेजी आई है फ्राइडे को। पहले हमारे मार्केट तेज हुए, फिर लास्ट में वो भी आए ऊपर की तरफ। तो यहां पे एशिया पैसिफिक तो तूफानी तेजी थी, लेकिन यूएस में जो आपने लेट नाइट मस्त बाजार देखा है, मस्त क्लोजिंग देती है आते हुए दिखी है। डाउ जोन्स लगभग 387 पॉइंट्स ऊपर थे, नेस्डेक 2% की शानदार तेजी 226 पॉइंट्स, S&P 500 1.5% की शानदार तेजी, रसल 2000 0.25% की शानदार तेजी। यानी कि ब्रॉडर बेस मार्केट में आपने रैली आते हुए देखी है। इसी के दम पर SGX निफ्टी की बात करें तो यहां भी आपको काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, 17,730 यानी कि 17,730 पे SGX निफ्टी शो रहा है। हमारे बाजार 17,600 के पास, यानी 130 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है SGX निफ्टी। तो मे बी कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद क्या करें क्या ना करें इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कल एक गैप अप ओपनिंग होगी एंड उसके बाद बाजार में फ्रेश तेजी के लिए चाहिए फ्रेश बाइंग। क्या वो आएगी, इसका जवाब मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबी तेजी आनी चाहिए, क्योंकि 17,800 17,750 एक बाउंस बैक रिकवरी में अच्छा लेवल हो जाएगा एंड मैक्सिमम 18,000 हो सकता है, उससे ज्यादा बाजार में तेजी नहीं देख रहा हूं मैं। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कल मार्केट ओपन है, परसों मार्केट बंद है, यानी ट्यूजडे को मार्केट में छुट्टी है। एंड मैं दिल्ली साइड से बिलोंग करता हूं तो यहां पे होली 8 तारीख को मनाई जाएगी एंड मार्केट में कल परसों छुट्टी है, तो क्या 8 तारीख को बाजार खुलने वाले हैं, ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। आपको पता हो ना पता हो, मैं आपको बता दूं ब्रोकर्स ने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी डाली है, सेबी से रिक्वेस्ट भी करा है कि भाई मार्केट में 8 तारीख को 8 तारीख को होली है, कोई आएगा ही नहीं काम पे, तो प्लीज इसको या तो दोनों दिन मार्केट बंद कर दें या फिर 8 तारीख को, बट अभी तक कोई इस पे सुनवाई आई नहीं है। लेट्स सी कैसे होता है कैसे नहीं होता, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी तो कंफ्यूजन ही है। तो मार्केट अगले वीक में आपको एक दो हॉलीडे मिलने वाली है, डायरेक्ट एक्सपायरी पे ही आ जाएगा, तो एक्सपायरी रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब स्टॉक कौन से कल के सेशन में एक्शन में रहेंगे, तो वो है आईटी स्टॉक्स। नेस्डेक में 2% की तेजी है, डायरेक्टली आईटी स्टॉक्स को फायदा देगी। अब देखने वाली बात है कि आईटी में कितनी तेजी आती है कितनी नहीं, ऑलमोस्ट 1-1.5% की तेजी तो बननी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने बजट वाले दिन मूड खराब करा था जब सब कुछ अच्छा था, एंड अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही मार्केट को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मार्च में अभी तक 3 दिन ट्रेड हुआ है बाजार में, 3 ट्रेडिंग सेशन में, पूरे फरवरी मंथ में जो बिकवाली हुई है FIIs की तरफ से वो पिछले 3 दिनों में बाइंग हो चुकी है, यानी कि पूरी फरवरी की जो सेलिंग थी वो केवल 3 दिनों में बाइंग के रूप में कन्वर्ट हो गई है, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने। मैं आपके साथ ये डाटा ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूं आज, लेकिन अभी मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फरवरी में लगभग 11,000 करोड़ की बिकवाली करी है FIIs ने कैश मार्केट में, लेकिन मार्च में जो 3 ट्रेडिंग सेशन हुए उनमें 12,500 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है। ऑलमोस्ट 15,500 करोड़ की बाइंग तो अदानी ग्रुप की 4 कंपनीज में ही आई है। FIIs का अगर फ्यूचर का डाटा भी बताऊं मैं आपको, तो फरवरी में 43 करोड़ की बाइंग थी, जिसके सामने मार्च में लगभग 5,000 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो बड़ी बाइंग चल रही है फ्यूचर्स में भी और कैश में भी FIIs की तरफ से, DIIs कंटिन्यू बायर बने हुए हैं, शायद ये मार्केट को और ऊपर की तरफ लेके जाए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि वहां बाइंग बन रही है, तेजी भी बन रही है, मोमेंटम में भी है
एंड नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, तो मिक्स हो रहा है। बट मुझे लगता है कल भी आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी, प्लस आईटी स्टॉक से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। एंड यूएस मार्केट में भी ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं आया है, ये सबको पता है रेट हाइक आएंगे तो उसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, जब आएंगे तब फिर एक बार नेगेटिव रिएक्शन आएगा, बट उससे पहले रिकवरी आप लोग एंजॉय करें। तो बाजार कल के लिए काफी अच्छा सेट हो चुका है, यानी कि अच्छी ओपनिंग दिखनी चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर 100 पॉइंट्स ऊपर खुले तो डेफिनेटली आपको इग्नोर करना चाहिए बाजार को, उसके बाद तेजी में नहीं आना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।